हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने यहाँ पे कुछ नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस करते हैं, हमारा जो आपका प्रैक्टिस सेट 4 है इसको हम करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को माना जाएगा, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज शैल बी डीम्ड मेंबर ऑफ, किसका डीम्ड मेंबर माना जाएगा? तो ये माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, ये आपको यहाँ पर एक और भी अगर आप जानना चाहें कि हम मानवाधिकार दिवस कब आपका मनाते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी एक्सीड, संसद के दो सत्रों के मध्य समय अंतराल की अधिकतम सीमा है, तो अधिकतम सीमा आपकी कितनी है? दिस इज 6 मंथ, कितना है? 6 माह जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो है केवल एक ही बार, ठीक है, ओनली वन टाइम, ओके, केवल एक ही बार जो है वो आपका संशोधन हो चुका है, जहां पर हमने उसमें पंथ निरपेक्ष जो है वो आपका जोड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होगा, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द, और वी कैन से हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल फोर्सेज, इट इज द राइट आंसर इज राष्ट्रपति, ओके, प्रेसिडेंट। अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है उसका आपका होगा, जो अभी हमारी राष्ट्रपति हैं, और इसका सही उत्तर आपका राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निर्गत की शक्ति करने उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? द ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर आपके हैं उनकी पावर को कौन डिफाइन करता है? तो उनकी पावर को जो डिफाइन करता है वो करता है आर्टिकल नंबर 213। क्या करता है? आर्टिकल नंबर 213 जो है वो आपका हमारे जो गवर्नर हैं उनकी पावर को रीडिफाइन या सॉरी डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, डोकलाम विवाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोकलाम विवाद जो है वो भारत और चीन के बीच में है, किसके बीच में है? भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो भारत और चीन के बीच में जो आपकी रेखा होती है उसको, आपका जो सीमा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन नाम से जानते हैं। इंडियो पाकिस्तान कहें, इंडो बांग्लादेश कहें, ये आपका कौन सा है? ये आपका रेड क्लिफ आपका है। और अगर हम बात करें इंडियन और अफगानिस्तान, ये आपका क्या है? ये आपका डूरंड रेखा कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है, ओके, प्रूड मिसबिहेवियर ऑन द इनकैपेसिटी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 26 जुलाई को निम्नलिखित रूप में मनाया जाता है, 26 जुलाई 1999 को जब भारतवर्ष ने पाकिस्तान पर जब विजय प्राप्त की थी तो उस दिवस को हम जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में आपका मनाते हैं। देखो आप सभी को पता होगा 1965 में आपकी भारत की लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है, 1971 में आपकी लड़ाई होती है और 1999 में होती है। तीनों लड़ाइयां जो हैं ये किसने जीती हैं? तीनों लड़ाइयां आपकी इंडिया ने जीती हैं, ओके, और 1999 में जो आपका हम जीते थे तो उसको हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु दर्शन महोत्सव, ओके, सिंधु दर्शन महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। वैसे भी आप समझ सकते हैं भाई, सिंधु नदी जो है वो आपका उधर ही जम्मू कश्मीर से उधर को आपका बहेगी लद्दाख में, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी अभी आपके आएंगे और उत्तराखंड के भी आपके आएंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस इन भागों से मिलकर बना होता है, द कंप्यूटर प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द पार्ट कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ठीक है, क्या है? कंट्रोल यूनिट एंड ALU, व्हाट इज ALU? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, व्हाट इज CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी, वेरी नाइस, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी क्या है? वो आपकी गंगा है। कहाँ से निकलती है गंगा? गंगा जो है वो गंगोत्री से आपका निकलती है और जो वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में आपका क्या हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में आपका गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हलाला किससे संबंधित है? तो हलाला जो है वो आप लोगों ने सभी ने इस पर बहुत सारा विवाद आपका हुआ था, तो हलाला जो है वो मुस्लिम महिलाओं से आपका संबंधित है, मुस्लिम वुमेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की वजह से होता है, ABCDE, ठीक है, तो ये आपका इसका है ऑप्शन नंबर सी। ए की वजह से आपका क्या होता है? रतौंधी। बी की वजह से बेरी बेरी। सी की वजह से आपका जो है, सी की वजह से आपका होता है स्कर्वी रोग, डी की वजह से होता है रिकेट्स रोग, ई और के आपको बताना है, अगर आपको उन्हें बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो मैंने आप भी आपको बताया था, ठीक है, पहली बार में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया? तो इसी दिन हम क्या मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, और ये क्या है? 10 दिसंबर 1948, ठीक है।
10th दिसंबर 1948 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है? Who among the following heads the Indian National Council, sorry, National Integration Council of India? It is the right answer is Prime Minister, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित देशों में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो, जो आपका यूनाइटेड नेशन है इसमें दो तरीके की होती है, एक परमानेंट मेंबरशिप होती है और एक आपका जो है वो टेम्परेरी होती है। परमानेंट में आपके कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं और टेम्परेरी में आपके कितने मेंबर हैं? 10 हैं। भारत आपका टेम्परेरी में है, मैं पहले बता दूं, लेकिन यहां पे इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका स्पेन। क्या है इसका सही उत्तर? क्या है इसका सही उत्तर? है आपका स्पेन। इन दोनों, इन तीनों के अलावा, ठीक है, यहां पे एक रूस आपको देखने को मिलेगा, एक चाइना आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम, देखो मिनिमम तो हमने सबने पढ़ी हुई है भाई 35 इयर्स, अधिकतम की कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं है। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पंचायती राज 1959 कब लागू किया गया था? नागौर, राजस्थान के नागौर में 1959 जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे? ओके, भारत के राष्ट्रपति पद पर तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले थे, फर्स्ट, ठीक है, पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे जो आपका ओल्डेस्ट हाईकोर्ट, वो ओल्डेस्ट हाईकोर्ट आपका कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। कौन सा है? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। आप सभी को पता होगा 1911 से पहले हमारी जो राजधानी थी, पहले आपका दिल्ली से पहले कहाँ थी? दिल्ली से पहले आपकी कलकत्ता में थी। कहाँ पे थी? दिल्ली से पहले आपकी कलकत्ता में हमारी राजधानी हुआ करती थी 1911 में, जो है वो आपका दिल्ली में आई। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित आलोचकों में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है, डिलीट करने वाले पहले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत तेजी क्वेश्चन है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? देखिए, चौ जो वर्ण है, चौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष का विलोम है, उत्कर्ष का विलोम आपका क्या है? उत्कर्ष का विलोम जो है वो है अपकर्ष। क्या है? अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जगदीश, जगदीश में जगत धन ईस क्या बनेगा? जगत धन ईस, यानी ये आपकी कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कौन सा आपका शुद्ध विकल्प है? ओके, एक बार देख लेते हैं, इसका है ऑप्शन नंबर डी, कवयत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यह ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब यहां से उत्तराखंड के आपके शुरू हो गए हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस आपके हैं। अब उत्तराखंड के आपके 13-14 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? ओके, उपजाति स्थान के नाम पर, ओके, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जोशी। जो है जोशी आपका जो है वो स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है पाल। क्या है? पाल जो उपजाति है वो सूर्यवंशी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के स्थानीय देवता के मंदिर में लोकपत्र द्वारा, देखिए अल्मोड़ा का जो आपका चितई गोलू का जो मंदिर है वहां पर पत्र आपके लिखे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गोलूदेव। कौन से वंश से आपका संबंध रखते थे? ये कत्यूरी वंश से आपका संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 30, गढ़वाल मंडल में चलांदा में घूमने वाले स्थानीय देवताओं को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? महासु देवता के नाम से। कौन सी जनजाति से आपका संबंधित है? जौनसारी से आपका संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या कहता है? गढ़ राजवंश की इतिहास की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका मौलाराम। क्या है? इसका सही उत्तर है मौलाराम। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है खुदेड़, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेला आपका कब मनाया जाता है? तो देखिए, कुंभ मेला हर 12 साल में आपका मनाया जाता है, मकर संक्रांति से बैसाखी के बीच में जो है ये इसकी समयावधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। हिल यात्रा, अभी भी एक क्वेश्चन आया था कुछ दिनों पहले, तो हिल यात्रा जो है वो किससे संबंधित है? वो लखिया भूत से, ठीक है, ये मुखौटा पहन के आपका ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्कीइंग के लिए, स्कीइंग के लिए तो आपका चमोली में क्या है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका ओली एक जगह है, वो आपका स्कीइंग के लिए आपका क्या है? स्कीइंग के लिए आपका फेमस है। क्वेश्चन नंबर 36,
ये टूरी और रणसिंघा ये आपके किस तरीके के हैं, ये सुसिरवादी यंत्र आपके हैं, कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हमने इसके रिलेटेड एक पूरा वीडियो आपका बनाया हुआ है कि कौन से यंत्र आपके जो हैं किस तरीके के आपके कहे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है, अल्पना के लिए जो है वो ऐपण शब्द प्रचलित है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऐपण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, गढ़वाल समाचार जो है वो सन 1902 में, कब हुआ, 1902 जो है उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगोली पिछौड़ी के लिए आपका प्रसिद्ध है, रंगोली पिछौड़ी के लिए आपका जो है वो अल्मोड़ा आपका प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया था, देखो द्रोणाचार्य आपके कौन थे, गुरु थे, तो गुरु को ही आपको मिलना है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कोच को मिलता है। खिलाड़ी को आपके देखिए कौन से पुरस्कार मिलते हैं, खिलाड़ी को आपका अर्जुन अवार्ड मिलता है, कौन सा मिलता है, अर्जुन अवार्ड, और कोच को जो है वो आपका देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही, आप पढ़ते रहें, घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें, उत्तराखंड में जरूर जो है वो जो हमारी स्ट्रीमलाइन आपकी जॉब निकलने की जो है विज्ञप्ति बहुत जल्दी आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।